और अब खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले से है, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार किया है। कलीम भारतीय मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा के संपर्क में था, जिसे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल साइट के जरिए भारतीय सेना के सीक्रेट्स और फोटोग्राफ्स भेजा करता था। पूछताछ में पता चला है कि कलीम 5 दिन पहले भारत आया था। पकड़ा गया आईएसआई का एजेंट। मुस्लिम युवाओं का करता था ब्रेन वॉश। पाकिस्तानी जासूस ने किए सनसनीखेज खुलासे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा यह शख्स कोई मामूली आरोपी नहीं है। यह है आईएसआई एजेंट कलीम, जिसे शामली के मोमिनपुरा गांव से यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने पकड़ा है। एसटीएफ जब पाकिस्तानी जासूस को मेरठ लाई तो कई सनसनी केस खुलासे हुए। कलीम हिंदुस्तान में जिहाद फैलाने और मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ खालिद हाफिज से व्हाट्सएप चैट करता था। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के फोटो पाकिस्तान भेजता था। यही नहीं, वो राफेल विमान का फोटो भी पाकिस्तान में भेजा करता था। पूछताछ में पता चला कि 5 दिन पहले ही कलीम पाकिस्तान से भारत आया था और अवैध असलहों को इकट्ठा करके अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रहा था। एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट के पास से फर्जी आईडी पर लिए सिम के साथ 2 मोबाइल, उर्दू में लिखे पेपर और कई दस्तावेज बरामद किए। यूपी पुलिस के मुताबिक कलीम जैसे एजेंट भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें बाबरी विध्वंस, राम मंदिर के नाम पर भड़काया जाता है। हाल ही के कुछ महीनों में यूपी एटीएस ने ऐसे कई रेडिकलाइज युवकों को पकड़ा जिन्हें ऐसे मुद्दों पर भड़काया गया। यूपी एटीएस ने 2 जुलाई को अलकायदा और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े सद्दाम को गोंडा से, 1 अगस्त को पाकिस्तानी हैंडलर्स को सूचनाएं भेजने वाले आईएसआई एजेंट मुकीम उर्फ अरशद, 16 अगस्त को मोहम्मद रईस, 18 जुलाई को सलमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी केस में 6 जुलाई को गोरखपुर से तारिक नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ और इन सभी मामलों में आतंकियों को बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काया गया था। सभी स्लीपर सेल की तरह ट्रेंड किए गए थे और मिशन मिलने पर ही एक्टिव होने वाले थे। पिछले कुछ दिनों में एटीएस के द्वारा जो कार्य किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसे लोग, राष्ट्र विरोधी तत्व जो कि दूसरे देश में बैठे रहते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे यूथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको वो किसी न किसी रूप में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें और उसका फ़ायदा देखते हुए संभवतः उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण ऐसे लोग इस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरे देश में बैठकर राष्ट्र विरोधी तत्व सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक स्थिति या कम पढ़े लिखे होने की वजह से ये नौजवान इनके झांसे में आकर इनके लिए काम भी करने लगते हैं। ये बार बार एहसास दिलाया जाता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ी या जाति हो रही है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वही, जैसे मैंने बताया कि अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी के कारण उनको धीरे धीरे ये चीज़ें लोग उनके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग डीरेडिकलाइजेशन करते हैं तो उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान देते हैं और सभी जगहों पे अमूमन आप देखेंगे कि इनके पेरेंट्स या जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं घर के, उनको भी ये आइडिया नहीं रहता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद से अगस्त 2020 में बलरामपुर से 1 आतंकी, फरवरी, जुलाई और सितंबर 2021 में लखनऊ से 4 आतंकी, सितंबर 2021 में प्रयागराज, रायबरेली और बहराइच से 3 आतंकी और अप्रैल 2022 में गोरखपुर से 1 आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं साल 2023 में अब तक 5 आतंकी पकड़े जा चुके हैं। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।